देश के आदिवासी किसान वन अधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत अपनी जमीन के मालिकाना हक की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। इन किसानों का आरोप है कि जंगल बचाने के नाम पर इनकी जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले पर हमने नासिक से पैदल चल रहे किसानों से बात की है। क्या है ग्राउंड रियलिटी, आइए समझते हैं एनसी रिकॉर्ड्स के इस वीडियो में। 11 महीने से जारी किसान आंदोलन की आखिरकार 50 रुपए और महंगा, बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। साल 2018 में भी एक बड़ा किसान लॉन्ग मार्च निकला था, जिसमें 50,000 से ज़्यादा किसान नासिक से मुंबई पैदल पहुंचे थे। उस समय सरकार ने किसानों की फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से जुड़ी मांगों को मान लिया था, लेकिन किसानों का आरोप है कि वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। इसके बाद एक बार फिर किसान 12 मार्च 2023 को पैदल मुंबई के लिए निकल पड़े थे और इस बार भी सरकार ने उनकी सभी मांगों को मान लिया है, लेकिन किसानों का कहना है कि वो पिछले कई बार सरकार से धोखा खा चुके हैं। उनका कहना है कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है, इसलिए किसान भी इस बार सरकार के किसी वादे या आश्वासन पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। भारत सरकार ने शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 बनाया है, जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम FRA भी कहा जाता है, जो वनों में रहने वाले समुदाय और व्यक्तिगत निवासियों के वन अधिकारों और फॉरेस्ट लैंड पर कब्जे को पहचानने और मान्यता प्रदान करने के लिए लाया गया है। पीढ़ियों से ये लोग ऐसे जंगलों में रह रहे हैं, लेकिन उनके अधिकार दर्ज नहीं हो सके हैं। ये एक्ट फॉरेस्ट एरियाज में उनकी पैतृक भूमि और आवास आदि को मान्यता प्रदान करता है, लेकिन फॉरेस्ट राइट्स को रिकग्निशन देने के काम को ठीक से लागू नहीं किया जा सका है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में ये गारंटी है कि आदिवासी जिस जमीन पर रहते या खेती करते हैं, अगर उसकी सीमा 10 एकड़ या उससे कम है तो उस पर उनका मालिकाना हक होगा, लेकिन आज तक देश में इसे ढंग से लागू किया ही नहीं गया है, जिस वजह से अलग अलग समय पर किसानों को अपने हक के लिए लगातार सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना पड़ता है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में आदिवासी किसान रहते हैं। उनके बीच में लेफ्ट पार्टी CPIM और किसान सभा काम करती है, जिसने कई बार किसानों के हकों को लेकर सड़क पर संघर्ष किया और सरकार को आदिवासी हितों में निर्णय लेने पर मजबूर किया है। अब ये सिर्फ महाराष्ट्र के ट्राइबल फार्मर्स का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे देश में ही ट्राइबल्स जो फॉरेस्ट लैंड्स पर कई दशकों से रहते हैं, उनकी भी बात है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 44 लाख से ज़्यादा आदिवासी किसानों ने वन भूमि के मालिकाना हक के लिए दावा किया है, जबकि अभी तक लगभग 23 लाख ट्राइबल्स को ही ज़मीन का मालिकाना हक मिला है, जबकि 17,29,000 से ज़्यादा लोगों के दावों को खारिज कर दिया गया है और 4,87,000 से अधिक दावों को पेंडिंग रखा गया है। ये आंकड़े दिसंबर 2022 तक के हैं, जो सरकारी वेबसाइट्स पर मौजूद हैं। अगर सिर्फ महाराष्ट्र की ही बात की जाए तो यहाँ कुल 3,75,000 आदिवासी किसानों ने वन भूमि के मालिकाना हक के लिए दावा किया है, जिसमें से 1,72,000 लोगों को ही ज़मीन का मालिकाना हक दिया गया है, जबकि 45,000 से ज़्यादा दावों को खारिज कर दिया गया है। 1,57,000 से अधिक दावों को आज भी पेंडिंग रखा हुआ है। आरोप है कि ज़मीनों पर मालिकाना हक ना मिलने के कारण इन आदिवासी किसानों का रोज़ शोषण होता है और उन्हें परेशान किया जाता है। उनकी खेती को उजाड़ा जाता है, उनके गांव में सड़कों का निर्माण नहीं होने दिया जाता, और अगर कोई विकास का काम करता भी है तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स उनके ऊपर केस कर देते हैं। हमने ग्राउंड पर कुछ किसानों से भी बात की, सुनते हैं उनका क्या कहना है। 2005 में वो एक्ट हुआ फॉरेस्ट वन ज़मीन का, कि जो पुराना आदिवासी है, जो बरसों से आदिवासी फॉरेस्ट ज़मीन में कब्जा कर रहा है, उनको ये ज़मीन देनी चाहिए 10 एकड़। तो उसने उस टाइम वो मान लिया और वो एक्ट हो गया। वो एक्ट होने के बाद 2008 तक वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट आया। स्टेट गवर्नमेंट में जो अमल बजावनी होनी चाहिए, ऊपर से एक्ट हुआ तो वो करना चाहिए। तो 2008 से अब 2023 है, अब तक इन लोगों ने वो एक्ट जो है उस एक्ट के हिसाब से हमको ज़मीन नहीं दी। वो बोल रहे थे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम बताते हैं, लेकिन वो जो लैंड है, वो जो फॉरेस्ट प्लॉट है, वो हमारे आदिवासी लोगों को नहीं दे रहे। वह एक्ट में बोल दिया है कि 10 एकड़ ज़मीन वो उस आदिवासी को देनी चाहिए, लेकिन अब तक ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहा। और इसी वास्ते हमारे लीडर ने 2018-2019 में ये लॉन्ग मार्च निकाला, और उस टाइम देवेंद्र फडणवीस जी
मुख्यमंत्री थे, वहाँ हम आज़ाद मैदान तक गए, उधर उनके लोग आए, उन्होंने बोला कि आपका ये फॉरेस्ट का मामला हम मिटा देते हैं। लेकिन अब तक मतलब 2023 तक वो देवेंद्र फडणवीस साहब ने, उनका सरकार गया फिर भी वो नहीं किया। तो अब इस बार हम पूरा एक फाइनल निकले हैं इस सवारी पे कि अब इस बार नहीं रुकने का। इसलिए अपना जो पालघर एरिया में जो किसान को मिलने वाला ज़मीन है वो अभी तक दिया नहीं है, और उधर डेवलपमेंट्स का नाम बोल के बुलेट ट्रेन और एक्सप्रेस हाईवे ये सब बना रहा है। तो हम डेवलपमेंट का खिलाफ नहीं है, फिर भी जो फार्मर्स को जो मिलने वाला अधिकार है वो तो उनको मिलना भी चाहिए, ये अपना मांग है। वो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा अभी तक। किसान को जो ज़मीन मिलना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं, और डेवलपमेंट के नाम पे बुलेट ट्रेन बना रहे, एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, तो ये गलत है। अभी देखो फॉरेस्ट लैंड तो हो गया, लेकिन क्या है कि जो अपना कानून बना है उस तरीके से फॉरेस्ट जो एक्ट है फॉरेस्ट का वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अभी इधर शाहपुर में देखेगा तो हमारा जो गांव है, जैसा कि उधर बहुत सारे गांव है कि 10-12 गांव है, वही तो अभी तक जिसमें उसमें के अपना कानून में एक्ट है कि तीन दोन है उसमें, उसमें लिखा है कि जहां पे रास्ता है, स्कूल है, बिजली का हो प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट है वो बनाने के लिए एक्ट में तरदूत किया है, लेकिन अभी भी फॉरेस्ट जो है वो अभी तक जंगल में जितना भी एरिया है, जहाँ जितने जितने गांव है, अभी तक वो नहीं कर रहा है। अभी देखो हम बाद में है, अभी गए साल में एक कलेक्टर को निवेदन दिया, उसके बाद हमने श्रमदान से काम शुरू किया रास्ते का, और श्रमदान से किया फिर भी वो फॉरेस्ट वाले अपने ऊपर केस किया। अभी मैंने अभी जामीन दे के कोर्ट में जाके अभी जामीन दिया, दो जामीन एक ही साथ में दो जामीन दिया, तो अभी वो जमानत दिया है। आपके ऊपर अभी मेरे ऊपर तो फॉरेस्ट एक्ट में जाने का, अपना जिधर जिधर अपना है आदिवासी जो है लोग वहाँ काम करने में जाएगा, अपने किसान सभी से हो या पर जाएगा, तो वहाँ बहुत सारे तकलीफ आता है। वहाँ पे वो फॉरेस्ट वाला केस करता है। कितना केस होगा आपको? अभी मेरे ऊपर तो फॉरेस्ट का अभी रास्ता बनाने के टाइम में 2 केस हुआ, अभी रास्ता रोको किया तो उधर 3 केस हुआ, रास्ता रोको का है केस हुआ 3। वो मांगे तो वही है जैसा कि रास्ते का है, बिजली ने है जिधर गांव में, कहीं गांव में तो कुआं खोदने जाएगा तो वहां भी केस बनाता है, जैसा कि फॉरेस्ट एक्ट में बोला। वो कभी कभी ऐसा बोलता है कि अपने मिट्टी से कुआं बनाओ, तो मिट्टी का कुआं आज तक कहाँ देखा है फॉरेस्ट वाले ने? हमें बिजली भी दी थी, हमने वो खड्डा भी खोदा था श्रमदान से, तो फॉरेस्ट लोगों ने सब रोक लिया। वो बिजली के खंभे भी हमारे दहीगांव ग्राम पंचायत में जो दहीगांव है, सिसवली गांव है, वहाँ पड़े हैं अभी तक, खड्डा खोद के रखा है, लेकिन जब काम कॉन्ट्रैक्टदार ने चालू किया तो सब फॉरेस्ट लोग आया और रोक दिया, सरकारी आदमी सब आए और रोक दिया। हम कैसे रहते हो हमको ही मालूम है, तो दिक्कत तो बहुत होती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो महिलाओं को होती है, क्योंकि जो हमारे आदमी लोग होते हैं वो बाहर काम पे जाते हैं, 5 बजे 4 बजे उठकर उनको खाना बनाना पड़ता है रात को कोई, और वो गैस दूसरे ने लिया और हमारा भी राखेल बंद कर दिया। हम उस घासलेट से हम वो बनाते थे दीपक, गैस तो हमने लिया ही नहीं, गैस हमको मिला भी नहीं, इतना महंगा गैस लेके क्या करेंगे, उज्ज्वला वाला वो सब वो बाहर राजस्थान वहाँ सब दे दिया, हमारे यहाँ तो अभी तक आया भी नहीं। तो वन जमीन है वो हमारे पूर्वजों से, वो रीति रिवाज अनुसार हमारे किसान भाई बहन उसमें खेती कर रहे हैं, लेकिन अभी ये सरकार का जो एक्ट आया है कि वन जमीन में आप ऐसा नहीं करेंगे वैसे नहीं करेंगे, तो जो वन जमीन के अधिकारी है वो हमारे खेती किए हुए हिस्से पर वो आते हैं और उसे फसल को नष्ट कर देते हैं, कई हिस्सों पर उन्होंने पेड़ भी लगाए, इससे खेती करने वाले मजदूर किसानों को जमीन भी नहीं मिल रही।
और वो जो वन जमीन का उस पर रिकॉर्ड नहीं होता 7/12 का, तो जब लोगों को जो भूमिहीन है, भूमिहीन जिसके मतलब जिसके पास कुछ भी ज़मीन नहीं, वो सिर्फ वन जमीन का प्लॉट कर रहे हैं, तो उसका कोई भी रिकॉर्ड अभी तक निकाला नहीं, कोई 7/12 नहीं, तो उन लोगों को सरकारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ उन्हें नहीं मिलता। 7/12 रिकॉर्ड जो हमारी ज़मीन होती है उसका महसूल के खाते में 7/12 रिकॉर्ड, यानी हमारे नाम पर कितना कुल ज़मीन है, उसमें कितने लोगों का नाम है, यानी पूर्वजों के उसके माता पिता के अनुसार। इस बार उन्होंने कहा है कि वन जमीन का जो मामला है, हम वन विभाग के कर्मचारियों, वन विभाग के मंत्रियों से मिलकर वह मामला हम सुलझाएंगे, लेकिन यह प्रोसेस ये उससे ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ से आदेश निकलेगा तब वहाँ तहसील से लोग उधर कार्यवाही करेंगे, लेकिन जब तक यहाँ से जीआर नहीं निकलेगा तब तक वहाँ कुछ भी कार्यवाही चालू नहीं होगी। आप देते हो या नहीं देते हो या तो क्लियर कर दो, हम क्यों इधर आए, हमारे जो लोग इधर आए उनके बच्चे घर में हैं, अकेले हैं उनमें, उनके बच्चे घर में, वो क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, किसको पता, हम 200 किलोमीटर दूर आए, तो गवर्नमेंट को इतना तो ध्यान देना चाहिए।